हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक लेक्चर 5th पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये क्या बॉडी है, ये आपके पास क्या है, एक बॉडी है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ये आपके पास एक बॉडी है। आप लोगों ने क्या किया, इसको इस पे बहुत सारे फोर्सेस लगाए। एक F1 फोर्स लगाया, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, F5 फोर्स, F6 फोर्स। आप लोगों ने इस बॉडी पे क्या हुआ, बहुत सारे फोर्स लगाए। तो बॉडी ऐसा तो नहीं है कि बॉडी हर एक डायरेक्शन में जाएगी। जैसे आपके पास एक बॉडी है, आप लोगों ने बॉडी पे ऐसे इसको घसीटा, तो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी। यदि आपके पास ये बॉडी है, आप लोगों ने ऊपर की तरफ घसीटा, तो इसको क्या अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी ना। तो बॉडी एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मोशन कर सकती है। तो इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगे हैं, F1, F2, F3, F4, F5। तो बॉडी क्या होगी, एक डिफिनेट डायरेक्शन में ही मोशन करेगी ना। बॉडी क्या होगी, एक डिफिनेट डायरेक्शन में ही मोशन करेगी। तो हमने मान लिया क्या है, ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है। जिसे हमने आर कह दिया। आर क्या है, हमारा फोर्स है। तो क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मींस भी यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो बॉडी इस फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो इसी फोर्स को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ये सारे फोर्सेस जो मिल के इफेक्ट दे रहे थे, जैसे ये सारे फोर्सेस क्या इस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही थी। तो अगर इस बॉडी पे हम लोग केवल रिजल्टेंट फोर्स लगा दें, तो ये भी वही इफेक्ट देगा जो ये सारे फोर्सेस क्या हो रहे थे, मिलके देख रहे थे। F1 प्लस फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F2 F3 प्लस फोर F4 प्लस F5 प्लस F6, ये सारे फोर्सेस जो मिलके इफेक्ट दे रहे थे, वो वही इफेक्ट क्या देगा, रिजल्टेंट अगर केवल बॉडी पे एक्ट हो जाए तो वो बॉडी पे सेम इफेक्ट देगा। मींस क्या हुआ, अगर हम लोग इन फोर्सेस को क्या करें, एक सिंगल फोर्स से क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सिंगल फोर्स हैविंग सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी। सिंगल फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सिंगल फोर्स होगा जो क्या होगा, सेम इफेक्ट देगा बॉडी पे। जैसे बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही थी यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में मोशन देगा बॉडी को। एज दैट ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जैसा कि वो सारे फोर्सेस दे रहे थे। तो रिजल्ट, जितने भी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, उसको हम लोग एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ये हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F1, F2, F3। तो बॉडी क्या हुई, एक डिफिनेट डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो हमने मान लिया बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करी, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, ठीक है अभी के लिए। तो क्या हो रहा है, ये इन सभी फोर्सेस का क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है जो बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो इन सारे फोर्सेस को हम लोग एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इन सारे फोर्सेस की जगह F1 फोर्स की जगह, F2 फोर्स की जगह और F3 फोर्स की जगह, यदि हम लोग केवल क्या करें, केवल यही फोर्स लगा दें, तो बॉडी पे क्या हो रहा है, वही इफेक्ट दे रहा है जिस डायरेक्शन में पहले बॉडी जा रही थी, उसी डायरेक्शन में जा रही है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सिंगल फोर्स होता है जो कि सेम इफेक्ट देता है जो ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो जितने भी फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहे थे
उनसे मिलकर आता है जो इफेक्ट, वो ही क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब रिजल्टेंट क्या होता है। फिर आता है रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स क्या है, यदि आपके पास कोई भी फोर्स है, जैसे हमने मान लिया ये आपके पास फोर्स क्या है, एफ फोर्स है, जो कि हॉरिजेंटल से, ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन कह सकते हैं, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस इन फोर्स, ये जो हमारा फोर्स था एफ, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। और वो कैसे तोड़ेंगे अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये आपका एरो का हेड पॉइंट है, आपका फोर्स हमेशा ऐसे डिनोट होता है, ठीक है, डायरेक्शन, जिसको ये क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। और ये क्या होता है हमारा, जिससे हेड एरो बना होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हेड से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक्स है, और ये हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, और हमें पता है साइन थीटा क्या होता है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ना। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो वाई हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। और हाइपोटेन्यूज, ये जो इंक्लाइंड है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, एफ। तो वाई हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो हमारा वाई आ जाएगा एफ साइन थीटा। और इसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है एफ, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। मींस क्या हुआ, ये आपके पास बॉडी थी, ये आपके पास फोर्स लग रहा था, यहाँ पे कोई बॉडी थी एफ, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा था एफ, जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन था। आपके पास ये एक्स था, तो एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, और वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई हमारा ये था ना, तो इसको हम लोग इस पॉइंट से यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वाई, वाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा, जो कि हमारा आया है ऑप्शन में। यहाँ पे हमारा एक्स था, एक्स क्या निकल के आया, एफ कॉस थीटा, एक्स की जगह पे एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, और वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा। हमने बताया कि ये जो है वाई, इसको हम लोग यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक पॉइंट से, क्योंकि सेम ही होगा ना, ऐसे एक एक स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स है एफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब आपके पास कभी भी क्या होगा, कोई भी फोर्स इंक्लाइंड आप लोग देखेंगे, तो उसको क्या करेंगे, दो पार्ट में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। स्प्लिटिंग का मींस क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिफिनेशन देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, स्प्लिटिंग द गिवन कॉन्करेंट फोर्सेज इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। मीन्स ये जो इंक्लाइंड फोर्स है, इसको हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा, बॉडी पे सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है जो ये फोर्स इफेक्ट दे रहा था वो ये दोनों फोर्स मिलके भी देंगे, ये वाला फोर्स और हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स मिलके भी यही सेम इफेक्ट देंगे। ठीक है, जैसे कि अब आप लोग कभी भी देखेंगे, जैसे आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है, और इस पे फोर्स लग रहा है F1, और ये हमारा क्या है, थीटा वन एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये एक हमारी हॉरिजेंटल डायरेक्शन हुई। हॉरिजेंटल में क्या आता है, जिससे एंगल बनाएगा उस साइड क्या आ जाएगा, फोर्स F1 है, तो F1 कॉस थीटा वन, जिससे एंगल बनाएगा उस साइड कॉस आएगा, और उसके परपेंडिकुलर साइड क्या आएगा, साइन आएगा, F1 साइन थीटा वन। ठीक है, इसी तरह अगर यदि आपके पास ऐसे दिया होता एंगल,
एफ टू, और थीटा टू यहाँ से बन रहा है, तो जिससे एंगल बना रहा है, एंगल किससे बना रहा है, इस वाली साइड से, तो इधर क्या आएगा, जिससे एंगल बनाएगा उधर कॉस आएगा, क्या आएगा कॉस थीटा टू, और उसके परपेंडिकुलर साइड्स पे क्या आएगा साइन आएगा, एफ टू साइन थीटा टू। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारा एंगल बना रहा है से थीटा थ्री एफ थ्री, तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, जिस साइड एंगल बना रहा है जिस साइड से, उधर क्या आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा एफ थ्री कॉस थीटा थ्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा थ्री है, और जो उसके परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा एफ थ्री साइन थीटा थ्री। याद रखिएगा कि आपके पास जैसे फोर्स था तो इसके दोनों साइड में आएगा, एक इस साइड होगा और एक कंपोनेंट, और इधर दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, इसे क्या कहते हैं कंपोनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, कौन सा कंपोनेंट हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्या कहते हैं कंपोनेंट, और वो ये जो हमारा क्या हुआ, ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आपको सिंपली क्या करना है, यदि कोई भी फोर्स इंक्लाइन देखेंगे तो उसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, एक हॉरिजेंटल और एक उसी के वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो साइड्स में क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे, ठीक है, यही होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, मैथड देखेंगे रिजल्टेंट फाइंड करने का, तो वहाँ पे ये मेथड काम आएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जरूर। फिर आता है मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, क्या क्या मेथड्स हैं, कि किन मेथड से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। देयर आर थ्री मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट, कितने मेथड है, तीन मेथड है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। पहला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पहला क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ भी कह सकते हैं, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है लॉ ऑफ ट्रायंगल, फिर तीसरा लॉ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स को रिजॉल्व करके जो आप लोगों को अभी बताया है उसी का थोड़ा सा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए देखेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के दो मेथड है, एक होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मीन्स आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके बताएंगे, स्केल और पेंसिल का यूज़ करके बताएंगे कि उसका कितना फोर्स आ रहा है, वो क्या कहलाता है ग्राफिकल मेथड कहलाता है, ग्राफ ड्रॉ करके। और एनालिटिकल मेथड मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके आप लोग बताएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एनालिटिकल मेथड कहते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है एनालिटिकल और ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मेनली आप लोगों को एनालिटिकल मेथड ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, वही काम का होता है, ग्राफिकल मेथड जनरली यूज़ नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस रहते हैं। हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड का थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे कि कैसे वो किया जाता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किस लिए यूज होता है, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, किस लिए रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए बताया, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, वो भी कितने फोर्सेस के बीच में, टू फोर्सेस के बीच में ही केवल रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। इससे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से केवल दो फोर्सेस के बीच में ही हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, वो भी फोर्सेस हमारे कैसे होने चाहिए, कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस होने चाहिए, कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस, कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस, कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा सक चुका हूँ, अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, कृपया जा करके उसको देख सकते हैं। कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, यदि बहुत सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, जैसे हमारा F1 है, ये F2 है, दिस वन इज F3,
तो ये सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक फोर्स होता है एफ फोर, तो इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको हम लोग मीट कर सकते हैं ऐसे है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे जब मीट होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, फोर्सेस को कॉन्कुरेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है। यदि आपके पास कोई भी बॉडी है, जैसे आपने मान लिया आपके पास, मेरे पास क्या है, ये एक बॉडी है, ठीक है। अब इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग दो फोर्सेस के बीच का रिजल्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, पी और क्यू। ये क्या है, कॉन्कुरेंट है। कॉन्कुरेंट मीन्स एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इन फोर्सेस को रिप्लेस करेंगे बाई आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोगों ने पैरेललोग्राम देखा होगा, ऐसा होता है आपका, एक मिनट बन जाए डायग्राम। ऐसा कुछ होता है आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, जैसे ये है आपकी, तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये वाली होगी। जैसे ये हमारा क्या है, मान लिया P है, P फोर्स से इसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसकी एडजेसेंट साइड Q, ये इसकी क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी। क्या होगी, एडजेसेंट साइड। तो क्या हुआ, इन दो फोर्सेस को हम लोग पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा पूरा क्या था, पैरेललोग्राम था। अब ठीक है, ये हमारा क्या था, पूरा पैरेललोग्राम है। तो ये जो फोर्स हमारा क्यू है, इस पॉइंट से जा रहा है, इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, इस साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसको यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इस फोर्स को ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। और ये दोनों फोर्सेस आपको दिया होगा थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे जब ये थीटा एंगल हॉरिजेंटल से बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये थीटा ही एंगल बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से वर्टिकल डाला है नीचे ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, साइड्स के नेम दे देते हैं। ये हमारा ए है, बी सी डी ई। आप लोगों को ऐसे ही ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या करना है, इतना डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, दो फोर्सेस जो दिए गए हैं उनको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। ये P हो गया, ये हमारा Q है। जैसा दिया गया है, जैसे फोर्स हॉरिजेंटल दिया गया, तो इसको हॉरिजेंटली ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, फिर इसको पैरेललोग्राम बना देंगे। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के द्वारा हो गया। अब इन फोर्सेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये हमारा P हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, Q हो सकता है। फिर यहाँ से नीचे और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये हमारा थीटा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि जब क्यू यहाँ पे भी है हॉरिजेंटल से ही, तो उतना ही एंगल बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा था, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन था, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो ये भी हमारा क्या था, थीटा था, और ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा था। अब हम लोग नेम दे देते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा है इसका डायगोनल क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा, ये हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा इसका, और ये भी डायगोनल होगा ना, क्यों, हम लोग इसी डायगोनल का, हम लोग को वर्क है, तो हम लोग इसी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्या जिस राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये केवल अप्लाई हो सकता है और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इस थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? जो सबसे लंबी भुजा होगी वो हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे बेस होगा इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ना। सिमिलरली हम लोग इसको यहीं पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, तो देखिए इसमें क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री, एक साइड 90 डिग्री होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो बन रहा है। तो इसमें पर हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ। हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ? इस थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ पे अल्फा दिया गया है, इसके सामने वाला क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा क्या हुआ? डी सी परपेंडिकुलर हुआ। और बेस क्या हुआ? ये वाला एंगल लेंगे, ठीक। बेस हमारा कितना हुआ? ए डी। ए डी हमारा ये पूरा बेस होगा ना, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का पूरा ये बेस होगा ये वाला। तो ए सी हमारा कितना है? ए सी, ए सी को ही क्या कहते हैं यहाँ पे? रिजल्टेंट कहते हैं। क्या होता है? रिजल्टेंट होता है ए सी। यहाँ पे क्या होता है? रिजल्टेंट, आर से डिनोट करते हैं ए सी को, ठीक है। तो ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। अब हमें डी सी और ई डी फाइंड करना है। अगर यहाँ से डी सी देखें तो डी सी क्या है? डी सी हम लोग, अगर ये फोर्स हमारा क्यू था, ये हमारा फोर्स कौन सा था? क्यू था। इस फोर्स को हमने क्या कहा था? जो फोर्स इंक्लाइंड होगा उसको क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हॉरिजेंटल हो गई। हॉरिजेंटल में क्या आएगा? क्यू कॉस थीटा। और यहाँ से अगर ये देखें तो वर्टिकल ऐसे खींचेंगे, यहाँ से 90 डिग्री पे लाइन, तो इसका वर्टिकल बन जाएगा। वर्टिकल कितना आएगा हमारे यहाँ पे? क्यू साइन थीटा। अब हमने कहा था कि इसको यहाँ पे भी रिजॉल्व आ सकता है ना, क्यू साइन थीटा। तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। डी सी, डी सी क्या होगा हमारा? डी सी स्क्वायर क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। और ए डी देखें तो ए डी, ए डी क्या है? ए ए प्लस डी, ए प्लस डी है स्क्वायर क्यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए। अगर हम देखें तो हमारा क्या है? पी दिया गया है। ए और ई के में क्या दिया गया? पी दिया गया है। और डी और ई क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आर स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों हम लोग क्या जिस पे एंगल दिया गया उनको पास में लिख लेते हैं, ठीक है। क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हमने पास में लिख लिया, फिर पी स्क्वायर लिख दिया प्लस का पी स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस थीटा आर स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, सेम है, तो क्यू हम कॉमन ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस का पी स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, वन होता है, तो यहाँ पे वन रख देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, तो हमारा आर आ जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये हमारा क्या है, आर रिजल्टेंट है, आर क्या है, रिजल्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखें पैरेललोग्राम की, दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन टू कॉन्करेंट फोर्स। इस मेथड से आप लोग दो कॉन्करेंट फोर्सेस का ही रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड में क्या कहता है, इफ टू कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्सेस, दो कोप्लेनर मीन सेम प्लेन में है, कॉन्कुरेंट फोर्सेस हैं, क्या एक ही पॉइंट में मीट हो गया, जी हाँ कॉन्कुरेंट फोर्सेस हैं, एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम, पैरलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, ये क्या है हमारी एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं इन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जितना यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा उतना ही यहीं पे होगा, और जब डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लग फोर्स इस पे लग रहा है उसी डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, देन देयर रिजल्टेंट इज द डायगोनल ऑफ पैरलोग्राम, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, पैरलोग्राम का डायगोनल होगा। अब जैसे आपके पास ये पैरलोग्राम है तो इसके दो डायगोनल होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, जो कि क्या हो, सेम पॉइंट से पास हो, जहाँ से दोनों फोर्स क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे, मींस ये वाला आपको डायगोनल ही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग ने रिजल्टेंट तो फाइंड कर लिया, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी तो फाइंड करनी होगी, किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट लग रहा है, रिजल्टेंट क्या है, एक प्रकार का फोर्स ही तो है, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है, तो हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा था, लग रहा है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा ही क्या लगाएंगे, टैन का यूज करेंगे। अब डायरेक्शन अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या था डायरेक्शन, अल्फा, अल्फा माने थे अल्फा एंगल पे लग रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, टैन अल्फा, क्या ले लेंगे, टैन अल्फा, टैन अल्फा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर हम ये देखें साइन कॉस टेन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा अल्फा था, अल्फा के सामने वाला ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, डीसी, परपेंडिकुलर क्या है, डीसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में क्या है पूरा एडी, बेस में क्या है ए डी। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो डीसी क्या है, क्यू साइन थीटा, डीसी क्या है, क्यू साइन थीटा, और ए डी देखें तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ए और प्लस ए डी यहाँ पे देखें तो क्या है, ए प्लस ई डी का सम है, और हमारा ए कितना दिया गया है, पी, और ई डी कितना दिया गया है, क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो आपको क्या हो गई, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे अल्फा, टेन अल्फा से हमें क्या, टेन को इधर भी नहीं है, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे हम लोग को अल्फा फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे टेन अल्फा,
क्या बता रहा है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हमेशा टेन से ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमेशा टेन का यूज होगा, टेन अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। आप लोग ये क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए ये फॉर्मूला। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, यदि कोई भी दो फोर्सेज हैं एक्ट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 4 न्यूटन का है और ये क्या है 5 न्यूटन का है, दो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं 30 डिग्री एंगल पे, तो रिजल्टेंट का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। पी स्क्वायर होता है, मीन्स ये है पी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और कॉस 30 डिग्री एंगल, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री दे रखा है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन होगी उससे भी, ठीक है। अब यदि आपको पता है रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट आपका निकल आया आर बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा ना। यदि अब हम लोग देखते हैं थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या था, दो फोर्सेस थे पी और क्यू, ये किसी एंगल पे एक्ट हो रहे थे थीटा। अब थीटा 0 डिग्री है मीन्स पी भी इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और क्यू फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स ये है, ठीक है, 0 डिग्री मीन्स क्या है ये। तो यहाँ से अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें तो आर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू अगर हम लोग देखें, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आ जाएगा। अब ये क्या बन गया हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों को बन गया, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो यहीं पे ये बन गया, यही तो यहाँ पे लिखा है। ए की जगह पे क्या दे रखा है, बस पी दे रखा है, और बी की जगह पे क्यू दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मीन्स आर बराबर क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू। अब यदि थीटा हमारा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, कितना 90 डिग्री, मीन्स दोनों फोर्सेस क्या हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है क्यू है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो हमें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, बस डायरेक्टली हम लोग थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 90 डिग्री। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 2 पी क्यू इंटू 0। अब 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 PQ लिखा है तो वो क्या आता है 0 ही आता है, तो यहाँ से देखें तो रिजल्टेंट हमारा कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब एक और रह गया है, अगर यदि हमारा थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, कितना हो 180 डिग्री, वो भी देख लेते हैं। यदि हमारा थीटा कितना हो 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री मीन्स पी है यदि इस साइड एक्ट हो रहा है तो इसके अपोजिट साइड में हमारा कितना क्या एक्ट होगा क्यू कोण, तब यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। और याद रखिएगा कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो आर बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस 180 डिग्री, तो आर बराबर आ जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2 PQ, ये कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 रख देंगे, तो आर बराबर आ जाएगा रूट, ये किसका फॉर्मूला होता है पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर का, तो आर बराबर कितना आ जाएगा पी माइनस क्यू।
ठीक है, क्या आपका इम्पोर्टेंट है, यदि दो फोर्सेस क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में दे रखे हो या उनके बीच का 180 डिग्री एंगल दे रखा हो, तब हम लोग इस डायरेक्टली लगा सकते हैं आर बराबर पी माइनस क्यू, बड़े फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे। यदि दो फोर्सेस क्या हो 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यदि दोनों फोर्सेस क्या हो सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट क्या आएगा, पी प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तब क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये फोर्स है हमारा 4 न्यूटन का, फोर्स कितना है 4 न्यूटन का, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये है हमारा 3 न्यूटन का। थ्री न्यूटन का है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये F1 मान लीजिए, ये F2, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है। हमें पता है दो फोर्सेज यदि क्या हो 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, ये जो नीचे वाले को हम लोग क्या मानते थे, पी मानते थे, और ऊपर वाले को क्यू। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आर बराबर आ जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, आर बराबर √25। तो 25 रूट क्या आ जाता है, 5 5 5 जो 25 होता है। रूट में क्या होता है, दो चीज यदि पेयर में है तो एक ही चीज वापस आएगी, पेयर मीन्स दो सेम चीजें हो तो उसमें से एक ही चीज बाहर निकलती है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। इसी तरह यदि आपके पास दो फोर्स दे रखे हैं, ये हमारा पी दिया रखा है, दे रखा है 20 किलो न्यूटन, और यहीं पे फोर्स क्या है क्यू दिया रखा है 40 किलो न्यूटन, तो फाइंड करना है रिजल्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, दो फोर्सेस हैं, एक दूसरे उनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है, 0 डिग्री। यदि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। तो हमें पता है जब एंगल 0 होता है तो क्या होता है, इन दोनों का सम 20 प्लस 40 60 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये फोर्सेस है हमारा 60 किलो न्यूटन और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो दो फोर्सेस है जो अपोजिट डायरेक्शन में है मीन्स इसके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो हमारा कितना आ जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 40 किलो न्यूटन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।